नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड वन विकास कर्मचारी संगठन पश्चिम क्षेत्र के कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में सरकार और निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम कर्मी उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड शासन ने 19 सितंबर 1991 की वरिष्ठता का एक आदेश, जिसमें कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ दिया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा इस आदेश को 20 जून को सचिव वन विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया और इसी आदेश के तहत 9 जुलाई को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड विकास निगम देहरादून ने भी उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सभी निगम कर्मचारियों में आक्रोश बना हुआ है और इसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आपने यहाँ उत्तराखंड विकास निगम में धरना दिया है, क्या है आपकी मांगे? सर, हमारी मांगे, हम 2002 में नियमित हुए थे, उत्तर प्रदेश से हम अविभाजित कर्मचारी हैं। हमें जो है 1991 से यहाँ के एक शासनादेश के आधार पर और कोर्ट के आदेश के आधार पर हमें जो है 1991 से वरिष्ठता देते हुए सेवा लाभ दिए जा रहे थे। आज उसमें जो है रिकवरी के आदेश हमारे अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं, इसके लिए हमें लामबंद होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम इस लड़ाई में जो है ठोस तरीके से निर्णय लेके संगठन एक मंच में होके हम सरकार के खिलाफ, अपने मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।